भारत नामीबिया के बाद एक बार फिर विदेशी धरती से लाए गए चीतों की अगवानी के लिए तैयार है। इस बार ये चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। एक करार के तहत 15 फरवरी तक 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए जाने हैं। इनमें 7 नर और 5 मादा चीते होंगे, जिनको मध्य प्रदेश के कान्हू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। हाल ही में हुए एक करार के मुताबिक दर्जनों चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाने हैं। ये समझौता 8 से 10 साल के लिए है। हर साल 12 चीते भारत लाए जाएंगे। फरवरी में लाए जाने वाले चीतों को फिलहाल वहां पृथक आवास में रखा गया है। आधिकारिक रूप से उनको भारत को सौंपे जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ ही दिनों के बाद ये दक्षिण अफ्रीकी चीते भारत की जमीन पर लैंड करेंगे। इससे पहले नवंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे, जिनको भी मध्य प्रदेश के कान्हू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। यह पिछले 70 साल में भारत की जमीन पर चीता का पहला कदम था। वर्ष 1952 में भारत में चीता को आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में चीता को आखिरी बार साल 1948 में देखा गया था। उसके बाद से भारत में चीता नहीं देखा गया। केंद्र सरकार योजनाबद्ध तरीके से देश में चीतों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है। भारत में 5 साल में 50 चीते लाने की योजना है, जिससे भारत का इकोलॉजी सिस्टम बेहतर बन सके। 70 सालों के बाद एक बार फिर से भारत की जमीन पर चीतों की चहलकदमी प्राकृतिक संतुलन के लिए बेहतर संकेत है।